Dear student, I welcome you all in our e-learning lecture series on cellular communication. Our today's topic is frequency reuse. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम आज की सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है। यह हमें मोबिलिटी होते हुए कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ ही 3G 4G टेक्नोलॉजी में हमें डाटा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इजी तरीके से प्रोवाइड करता है, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझने की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में, उसमें चार बेसिक पॉइंट को हम कवर करेंगे। एक फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, जिसको हम FDD कहते हैं। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी, वो समझना है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट को समझना है, और फाइनली हैंड ऑफ को समझना है। ये चार पॉइंट्स को अगर हम समझ सकते हैं तो सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो सकती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया कि सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक आर्किटेक्चर में चार कंपोनेंट होते हैं। एक मोबाइल स्टेशन, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा बेस स्टेशन, जिसको BS कहते हैं या BTS भी कहते हैं, बेस ट्रांसमीटर रिसीवर या बेस ट्रांसीवर सिस्टम, जो कि एक हेक्सागोनल शेप यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसी को हम सेल कहते हैं। और इसी की हमें आज समझना है कि सेल क्या होते हैं। पर हर सेल में एक बेस स्टेशन होता है, और उसका बेस स्टेशन मीन्स एक टावर, और उस टावर का अपना एक कवरेज एरिया होता है, और उस कवरेज एरिया में हम हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। एक रीजन में वैरायटी के या बहुत सारे बेस स्टेशन हो सकते हैं। उस रीजन के बेस स्टेशन 4, 5, 6 बेस स्टेशन BSC से कनेक्ट होते हैं, और BSC MSC से कनेक्ट होती है। इस तरीके से फाइनली हमारी जो है पूरी कंप्लीट कम्युनिकेशन लिंक बनती है, मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन, बेस स्टेशन से BSC और BSC से MSC। फुल फॉर्म हम जैसा कि हम जानते हैं BSC का फुल फॉर्म इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, क्योंकि बेसिकली एक बेस स्टेशन ही होता है। अपने सेल के लिए वो बेस स्टेशन है, पर नियर बाय सेल्स के लिए या बेस स्टेशन के लिए वो कंट्रोलर है। और MSC जो कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर है। FDD का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, और हमारा मोबाइल फ़ोन एक नियर बाई बेस स्टेशन से वायरलेसली कनेक्टेड होता है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन और बेस स्टेशन के बीच में हम एयर मीडियम यूज़ करते हैं। एयर मीडियम यूज़ करते हैं तो हमें एक गवर्नमेंट से परमिशन लेना होती है। गवर्नमेंट हमें एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉकेट करता है फॉर सेलुलर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल पूरे वर्ल्ड में 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 2500 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में बहुत वैरायटी के बैंड्स जो है गवर्नमेंट ने हमें सेलुलर कम्युनिकेशंस के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसका यूज़ हम हमारे मोबाइल फ़ोन से टावर के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी हमारे मोबाइल फ़ोन से टावर के बीच में जाती है उसको बोलते हैं हम अपलिंक, और जो फ्रीक्वेंसी
इज द अपलिंक, और जो फ्रीक्वेंसी टावर से या बेस स्टेशन से हमारे फ़ोन तक आती है उसको बोलते हैं हम डाउनलिंक। ओके, तो इस तरीके से हमें दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारे मोबाइल फ़ोन से टावर के बीच में और एक टावर, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टावर से मोबाइल फ़ोन के बीच में। तो इन दो फ्रीक्वेंसी रेंज को जो हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि, क्योंकि हमारा मोबाइल फ़ोन डुप्लेक्सिंग सिस्टम है, डुप्लेक्सिंग सिस्टम है मीन्स हम हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करते हैं, तो ट्रांसमिट रिसीव दोनों अनइंटरप्टली या एक साथ चलते रहे उसको हम डुप्लेक्सिंग कहते हैं या उस सिस्टम को डुप्लेक्स सिस्टम कहते हैं। तो सेलुलर कम्युनिकेशन में डुप्लेक्सिंग सिस्टम की जाती है फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, FDD, फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग मीन्स एक फ्रिक्वेंसी का सेट अपलिंक के लिए और एक फ्रिक्वेंसी का सेट डाउनलिंक के लिए, और अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस होता है। अगर हम एज ए एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझें तो फॉर एग्जाम्पल एक बैंड का यूज़ करें हम समझने के लिए, GSM 900 बैंड। GSM एक सेलुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि 2G टेक्नोलॉजी है, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी 2G में यूज़ की गई थी, CDMA टेक्नोलॉजी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो दो बेसिक टेक्नोलॉजी होती है GSM और CDMA। तो GSM 900 बैंड में हम एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं तो इसमें अपलिंक फ्रीक्वेंसी 890 मेगाहर्ट्ज़ से 915 मेगाहर्ट्ज़, जिसकी बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़ है, है ना। मींस इस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम हमारे मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन के बीच में हमारा सिग्नल को या वॉइस को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इस बैंड में जो प्रोवाइड की गई थी वो दैट इज़ द 935 मेगाहर्ट्ज़ टू 960 मेगाहर्ट्ज़, अगेन बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़। मींस 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़ का यूज़ करके हम बेस स्टेशन से मोबाइल फ़ोन के बीच में सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस तरीके से डुप्लेक्सिंग होती है। तो चूँकि हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं अपलिंक और डाउनलिंक के लिए, तो इस तरह के डुप्लेक्सिंग को कहा जाता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, FDD। इसके अलावा एक तरह की और डुप्लेक्सिंग सिस्टम होती है TDD, टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग, TDD। उसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट दिए जाते हैं अपलिंक और डाउनलिंक के लिए हैविंग सेम फ्रिक्वेंसी, पर प्रैक्टिकली GSM और CDMA दोनों टेक्नोलॉजी में फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करे उसके लिए हम दोनों में डिफरेंस रखते हैं, और डिफरेंस होता है 45 मेगाहर्ट्ज़ का। फॉर एग्जांपल 890 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अगर अपलिंक है तो 935 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक होगी, या 915 अपलिंक है तो 960 डाउनलिंक होगी। इस तरीके से अपलिंक और डाउनलिंक में 45 मेगाहर्ट्ज़ का डिफरेंस होता है। ये सिर्फ इस बैंड के बारे में, अलग अलग बैंड में ये डिफरेंस और ये डाटा या वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। तो FDD मीन्स हमारा सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम डुप्लेक्स सिस्टम है, मीन्स हम साइमल्टेनियसली सिग्नल को ट्रांसमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। तो ट्रांसमिट और रिसीव एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करे उसके लिए हम कुछ डिफरेंस रखना पड़ता है ट्रांसमिट में और रिसीव में। तो हम किस चीज़ में डिफरेंस रखते हैं, ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी अलग रखते हैं और रिसीव फ्रीक्वेंसी अलग रखते हैं। इस तरह की डुप्लेक्सिंग को हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। अब
आगे बढ़ते हैं, जो कि सेलुलर कम्युन सिस्टम का मेन कॉन्सेप्ट है। सेलुलर कम्युन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम हमारे मोबाइल फ़ोन और BTS के बीच में हम एयर यूज़ कर रहे हैं। एयर यूज़ करने पर हमें, जैसा मैं आपको बताता रहता हूँ कि हवा फ्री नहीं है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि एयर में दूसरी वेराइटी के भी कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, TV ब्रॉडकास्ट, FM रेडियो वगैरह वगैरह। तो पूरी दुनिया में और या गवर्नमेंट हमें क्या करती है कि हर कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी रेंज अलॉट करती है। सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी गवर्नमेंट ने, जैसा भी मैंने आपको डाटा बताया कि 700 मेगाहर्ट्ज़ टू 2500 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में बहुत सारे बैंड्स गवर्नमेंट अलॉट करते हैं, जिसको बोलते हम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक ऊपर का जो एग्ज़ाम्पल दिया हमने, उसमें गवर्नमेंट ने हमको 20 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ प्रोवाइड की और कहा कि 20 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ में ही आपको पूरा आपका सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम चलाना है ना। और गवर्नमेंट बोलती है कि आपको इस रीजन में चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट जो अलाट करती है रीजन, उसको सर्कल कहा जाता है। सर्कल मीन्स एक जोग्राफिकल कवरेज एरिया होता है जो कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर उस कवरेज एरिया में अपनी सेलुलर सर्विस प्रोवाइड करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल MPCG का सर्कल। तो बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई हमें 25 मेगाहर्ट्ज़ है ना, जो कि बहुत पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो बहुत छोटी सी बैंडविड्थ है। इस बैंडविड्थ में हमें सेलुलर कम्युनिकेशन करना है और एक वॉइस चैनल के लिए अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एक वॉइस चैनल को फॉर एग्ज़ाम्पल 200 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ की ज़रूरत है। बैंडविड्थ अवेलेबल है 25 मेगाहर्ट्ज़। तो इस कॉन्सेप्ट, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को सिंपल कॉन्सेप्ट समझें तो 25 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ अवेलेबल, एक यूज़र को 200 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट से बात करें हम तो जो हमें बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है उसमें हम केवल 125 यूज़र ही साइमल्टेनियसली हम यूज़ करवा सकते हैं, जो कि देखा जाए तो आज बहुत कम यूज़र है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मीन्स जो हमें बैंडविड्थ प्रोवाइड की गई है उस प्रोवाइडेड बैंडविड्थ में अगर हम सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ करें कि मीन्स एक टावर और हमारा उस कवरेज एरिया में फ़ोन यूज़ करें, तो हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग एट द मोस्ट उस कवरेज एरिया में 125 मोबाइल फ़ोन ही साइमल्टेनियसली ऑपरेट करवा सकते हैं। तो मीन्स बैंडविड्थ इज़ वेरी लिमिटेड और उस लिमिटेड बैंडविड्थ में ही हमें हमारी चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। 125 यूज़र को हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, 1000, 2000, 5000, 10000 इस तरीके से यूज़र को बढ़ाना है। तो हमें कुछ ट्रिक या कुछ सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेंगे। तो सॉल्यूशंस को ही हम बोलते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो क्या सॉल्यूशंस? जो हमें एरिया या जो ज्योग्राफी हमें कवरेज के लिए प्रोवाइड की गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल MP छत्तीसगढ़ सर्कल, उस ज्योग्राफिकल रीजन को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करें। और प्रैक्टिकली बाद में हम बताएंगे कि इन्हीं छोटे एरिया को डिवाइड करने को ही हम बोलते हैं सेल्स। तो जो ज्योग्राफी दी गई है हमें, उस ज्योग्राफी को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करें और हर एरिया में एक लो पावर का ट्रांसमिटिंग टावर यूज़ करें, इसको हम बेस स्टेशन कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, MP छत्तीसगढ़ को उदाहरण के तौर पे हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 बेस स्टेशन की ज़रूरत होगी जो कि बहुत लो पावर के होंगे। और इस तरीके से हम छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम जो हमें 25 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ या जो फ्रीक्वेंसी रेंज हमें दी गई है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज का हम बार बार यूज़ करें,
मीन्स रिपीट, और रिपीट को ही हम बोलते हैं रीयूज। फॉर एग्जांपल हमें 25 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दी गई है, 25 मेगाहर्ट्ज़ अपलिंक के लिए और 25 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक के लिए। तो हमें 25 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ दी गई है, तो नॉर्मल केस में तो हम इस एग्जांपल में हम देखा कि हम 125 यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट हमें ये कहती है कि आप उस बैंडविड्थ को आप या उस बैंडविड्थ को आप बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। केवल उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज उन्होंने दे रखी है, बाकी हम उसी फ्रिक्वेंसी रेंज को रिपीटेडली हम अलग अलग रीजन में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पलासे एरिया में उस फ्रिक्वेंसी का यूज़ करें, है ना, और उसी फ्रिक्वेंसी रेंज का यूज़ देवास में भी करें, उसी फ्रिक्वेंसी रेंज का यूज़ भोपाल के भी किसी लोकेशन पर करें। तो इस तरह से हम एक ही फ्रिक्वेंसी रेंज जो हमने हमें दी गई है उसका अगर हम बार 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 यूज़ करें, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम जब हम आगे नाम देंगे तो फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करते हैं। पर रीयूज़ करने में इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक एरिया की फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल जिसको हम सेल नाम दे रहे हैं, एक सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल के यू में जो यूज़र है उसको इंटरफेयर नहीं करें, है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो रीयूज़ करेंगे हम, पर केयरफुली रीयूज़ करेंगे ताकि हमें कोई को चैनल इंटरफेरेंस ना मिले। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ जिसको हमने फ्रीक्वेंसी रीयूज़ नाम दे रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी चैनल कैपेसिटी को हम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल में हमने देखा था कि केवल 125 यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं, पर हम इसी चीज़ को, अगर हम इसी चीज़ को रिपीट करें तो हम नंबर ऑफ यूज़र्स, साइमल्टेनियसली यूज़र्स को हम काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चैनल कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट करना है। नंबर वन, जो हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, और जो अलाउड फ्रिक्वेंसी बैंड है उस बैंड को हम रिपीटेडली यूज़ करें। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गए हैं, एक छोटे पार्ट में डिवाइड करना ज्योग्राफिकल रीजन को, और दूसरा उस ज्योग्राफिकल रीजन में रिपीटेडली फ्रिक्वेंसी को यूज़ करना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट समझते समझते हम देख सकते हैं कि एक आता है सेल। तो सेल मतलब एक जो हमें ज्योग्राफी टोटल ओवरऑल दी गई है उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में दिया डिवाइड करते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में जो हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं सेल। फॉर एग्जांपल ये जो हेक्सागोन एक दिख रहा है, ये एक सेल है, सेल वन। हर सेल में एक बेस स्टेशन होगा, लो पावर का एक ट्रांसमिटिंग सिस्टम होगा जिसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। इस सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, कितना लेंथ का सेल होगा, उसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो सेल प्रैक्टिकली, सेल का जो साइज बनता है वो बेस स्टेशन पे जो एंटीना होता है एंटीना डिसाइड करता है। और एंटीना के बारे में हम समझ सकते हैं कि लगभग हमेशा एंटीना बना सकते हैं जो लगभग हर डायरेक्शन में इक्वल रेडिएशन करे। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेल का जो शेप होना चाहिए वो सर्कुलर होना चाहिए, पर सर्कुलर शेप में कुछ प्रॉब्लम आती है कि कुछ एरिया ओवरलैप हो जाते हैं। अगर हम सर्कल को हम समझें, एक सर्कल दो सर्कल और सर्कल को टच करते करते ड्रॉ करें, तो हम देख सकते हैं कि कुछ एरिया या तो ओवरलैप हो सकते हैं या कुछ एरिया अनअटेंडेंट या नो कवरेज वाले हो सकते हैं। तो हेक्सागोनल शेप जो कि नियरली सर्कुलर है, वो शेप जो है सुटेबल है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कितना बड़ा सेल बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमारी लैंड की लैंडस्केपिंग कैसी है या उसकी ज्योग्राफी कैसी है, माउंटेन कितने हैं, प्लेन कितना है,
वगैरह वगैरह। इसके अलावा डिपेंड करता है कि वहाँ पर सेलुलर टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं। जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स होंगे मीन्स जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, यूज़र की डेंसिटी होगी, सेल उतने छोटे होंगे, और जितने कम यूज़र की डेंसिटी होगी सेल साइज़ उतनी बड़ी होगी। एक सेल की साइज़ कुछ मीटर, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हंड्रेड मीटर से लेके कुछ 5-10 किलोमीटर भी हो सकती है। एक सेल जितना एरिया कवर करता है उसको हम फुटप्रिंट कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज, फ्रीक्वेंसी रीयूज का पर्पस मैंने आपको बताया कि हम फ्रीक्वेंसी को जो अलाउड फ्रीक्वेंसी है उसको हम बार बार यूज़ करके हम बैंडविड्थ को जो यूज़ करके हम हमारी चैनल की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ यूज़र्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितनी हमें फ्रीक्वेंसी रेंज हमें अलाउड है उतनी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर सेल को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज हम प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी को हम रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं या करना चाहिए, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक सेल की फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल के सेलुलर फोन सिस्टम को इंटरफेयर नहीं करें, जिसको हम को चैनल इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस सेल को फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्सनट्रेट करें हम सेल नंबर वन, तो सेल नंबर वन को जो फ्रीक्वेंसी रेंज हम अलॉट करते हैं वह फ्रीक्वेंसी रेंज उस सेल के पास में जितने भी सेल हैं, इस एग्जांपल में सेल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 सेल हमारे सेंट्रलाइज सेल के आसपास है। तो जो फ्रीक्वेंसी सेल वन में है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सेल नंबर वन में है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी सेल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 में नहीं होगी, ताकि सेल नंबर वन की फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट सेल नंबर टू में अगर जा रही है तो वहाँ के सेलुलर सिस्टम को इंटरफेयर नहीं करें। पर सेल नंबर वन में जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई, इस सेल नंबर वन में फ्रीक्वेंसी यूज़ की गई है, वही फ्रीक्वेंसी हम रिपीट कर सकते हैं ये वाले सेल नंबर वन में, जो कि एक डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेल नंबर वन, इस सेल नंबर वन की फ्रीक्वेंसी इस सेल नंबर वन तक, चूँकि डिस्टेंस लार्ज है और हम जो टावर यूज़ करते हैं लो पावर के टावर यूज़ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो हम इस ग्रुप में जो हमारे जितनी भी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल 25 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अवेलेबल दी गई है, तो हम 25 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ यहाँ पर यूज़ कर लें और वही 25 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ हम इसको यहाँ रिपीट करें, यहाँ रिपीट करें एंड सो ऑन। जितने भी हमने सेल बना रखे हैं हर सेल में उस ग्रुप में रिपीट करें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 7 सेल का एक ग्रुप है ना, इस ग्रुप में कहीं भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही। रिमेंबर सेल नंबर वन से लेके सेल नंबर 7 तक सभी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, लेकिन वही के वही फ्रीक्वेंसी रेंज इस ग्रुप में यूज़ हो रही है, वही वही फ्रीक्वेंसी रेंज इस ग्रुप में यूज़ हो रही है। मीन्स 25 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ पूरी इस ग्रुप में यूज़ हो रही है, वही 25 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज इस ग्रुप में भी, और वही 25 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज इस ग्रुप में भी। तो इस 7 ग्रुप का जो 7 सेल का जो ग्रुप बनता है उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। मीन्स क्लस्टर में 7 सेल है और उन 7 सेल में कहीं भी फ्रीक्वेंसी रिपीट
नहीं हो रही है, सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज एक क्लस्टर में यूज़ हो रही है वही फ्रीक्वेंसी रेंज जो है सभी क्लस्टर में यूज़ हो रही है। इस तरीके से हम पूरे MP छत्तीसगढ़ को बहुत सारे ऐसे क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लस्टर में फॉर एग्जांपल हमारा पुराना एग्जांपल किस तरह समझें, तो एक क्लस्टर में हम 125 यूज़र को साइमल्टेनियसली सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम का कॉलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल हमने 3 क्लस्टर बना दिए, तो 3 क्लस्टर में हम उस हमारी कैपेसिटी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक क्लस्टर में 125, दूसरे क्लस्टर में भी 125, तीसरे क्लस्टर में भी 125, सेम फ्रिक्वेंसी जो हमें अलॉट की गई है वो। इस तरीके से सपोज इसी एग्जांपल को हम समझें, तो एक क्लस्टर में 125 चैनल जो कि हमने सबसे पहले स्टार्ट में बताया जो कि बेसिकली सफिशिएंट नहीं है, प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारे ज्योग्राफिकल रीजन्स को हम डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में, फॉर एग्जांपल हमने 100 क्लस्टर में डिवाइड किया, तो हम जो गवर्नमेंट ने हमको 25 मेगाहर्ट्ज का बैंड प्रोवाइड किया है वही 25 मेगाहर्ट्ज के बैंड में हम इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम 12,500 चैनल्स को हम साइमल्टेनियसली या 7 यूज़र्स को हम साइमल्टेनियसली मोबाइल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी रियूज करके हम हमारी चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रियूज नहीं करें तो हम फॉर एग्जांपल 125 चैनल ही चला सकते हैं या वॉइस चैनल ही चला सकते हैं, पर हम फ्रीक्वेंसी का रीयूज करें तो हम इस एग्जांपल में के हिसाब से हम 12,500 साइमल्टेनियसली वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम करवा सकते हैं उसी जो प्रोवाइडेड बैंडविड्थ थे उसी में। तो इस तरीके से हम सेल और फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम हमारी चैनल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम सेल्स का यूज करके हम हमारी ज्योग्राफी को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि सपोज मोबाइल फोन है जो कि हम बोलते आ रहे हैं कि वो तो मूवेबल है, तो मोबाइल फ़ोन सिस्टम जब हम कॉल कर रहे हैं तब हम एक सेल से फॉर एग्जांपल सेल नंबर 1 से हम मूव कर सकते हैं, कॉल करते करते मूव कर सकते हैं हम सेल नंबर 2 में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि सेल नंबर 1 में अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग है और सेल नंबर 2 में अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जब यूज़र एक सेल से दूसरे सेल में मूव अगर कर रहा है तो डेफिनेटली उसको एक फ्रीक्वेंसी जो रेंज जो उसको अपलिंक डाउनलिंक के लिए अलॉट की गई है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कि सेल नंबर 2 में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब यूज़र कॉल करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में जब जाता है तब या तो उसका कॉल ड्रॉप हो सकता है क्योंकि सेल नंबर 1 में अलग फ्रीक्वेंसी है और सेल नंबर 2 में अलग फ्रीक्वेंसी। यहाँ के इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम कि ये कार मूव हो रही है जो कि एक सेल से एक दूसरे सेल में जा रही है। तो जब पहले सेल में थी तब उसकी अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी उसको एक अलॉट की गई थी ताकि वो कम्बिनेशन कंटिन्यू करें, अब यही कॉल करते करते अब दूसरे सेल में जा रहा है। यूज़र को पता नहीं होता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, बट एज ए टेक्नोलॉजी टावर देख सकता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है कि जैसे ही एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है तो कॉल ख़त्म हो जाना चाहिए और दूसरे सेल में फिर से कॉल इस्टेब्लिश होना चाहिए जो कि अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखते हुए एक कॉन्सेप्ट आता है हैंड ऑफ। तो हैंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है
कि जब यूज़र कॉल पे है मीन्स वो अपना कॉल कंटिन्यू कर रहा है और वो जब एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहा है। बेस स्टेशन जिसका काम अपलिंक डाउनलिंक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा एक काम और करता है कि मोबाइल फ़ोन से जो पावर टावर तक आ रहा है उसकी पावर भी वो चेक करता है। जब उसे लगता है, जब हमारा मोबाइल फ़ोन एक बेस स्टेशन से दूर जा रहा है, दूसरे बेस स्टेशन की तरफ जा रहा है, या कहें कि हम एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली पहले बेस स्टेशन पे पावर कम होती जाती है और जैसे लगभग बाउंड्री पे पहुंचता है तब हम देखते हैं कि दूसरा बेस स्टेशन पता लगाने लगता है कि उस की तरफ पावर इंक्रीज हो रही है। तो बेस स्टेशन एक मैसेज कहता है कि ये मेरे सेल लोकेशन से दूर जा रहा है, उसी तरह से दूसरा बेस स्टेशन कहता है कि एक मोबाइल फ़ोन मेरे बेस स्टेशन की तरफ आ रहा है। ये दोनों काम को हैंडल करता है या मैनेज करता है। दोनों बेस स्टेशन किसी एक तीसरे स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, इसको हमने नाम दिया था BSC। तो BSC या अगर BSC अवेलेबल नहीं है क्योंकि स्टार्ट में नहीं था, तो MSC सीधे इस चीज़ को हैंडल करता है, मीन्स पावर लेवल को चेक करके पता लगाता है कि कोई मोबाइल फ़ोन एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव हो रहा है। तो यूज़र को पता लगा बगैर ही एक बेस स्टेशन अपनी जो अपलिंक डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी जो उसने दे रखी थी वह मोबाइल फ़ोन सिस्टम से ले लेता है और उसी मोमेंट पर दूसरा बेस स्टेशन एक नई रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी अपलिंक डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी उस मोबाइल फ़ोन सिस्टम को प्रोवाइड कराता है ताकि यूज़र, और ये काम इतना फास्ट होता है कि यूज़र को पता नहीं चलता है कि वह डिसकनेक्ट होके फिर से रिकनेक्ट हो गया है। तो कॉल को एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को हैंडओवर होने की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हैंडओवर या हैंड ऑफ। तो चूंकि हमने सेलुलर फोन में हमने छोटे छोटे सेल में डिवाइड कर रखा है तो हमें कॉल ड्रॉप नहीं हो उसके लिए हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स को समझे, चार बेसिक पॉइंट को समझे हमने। एक तो FDD, दूसरी सेलुलर कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज फ्रिक्वेंसी रीयूज, और चौथा पॉइंट हमने समझा हैंड ऑफ। सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम में के कॉन्सेप्ट में हमें कुछ इसकी ड्रॉबैक्स है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स तो ये है कि चूंकि हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में एक ज्योग्राफी को बहुत छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत, बहुत सारे BTS, फॉर एग्जांपल हम 100 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1000 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो जितने भी पार्ट में डिवाइड करेंगे या जितने भी हम सेल्स बनाएंगे हर सेल में हमें एक BTS या BS स्टेशन चाहिए, बेस स्टेशन चाहिए। इसके अलावा हर एक सेल के पास में जितने भी सेल है वहाँ पर फ्रिक्वेंसी रीयूज नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी, ताकि इंटरफेरेंस ना हो, है ना। उसके लिए हमें डेफिनेटली बहुत ही प्रॉपर तरीके से फ्रिक्वेंसी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हमें हैंड ऑफ की ज़रूरत होती है जब हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं। हैंड ऑफ में कुछ टाइम लगता है, अगर हमारा मूवमेंट बहुत फास्ट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई फास्ट मूविंग व्हीकल में अगर हम मूव हो रहे हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने में जब तक हैंड ऑफ की प्रोसेस हो तब तक हमारे कॉल ड्रॉप होने के चांस होते हैं, तो कॉल ड्रॉप के चांसेस होते हैं। बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि कॉल ड्रॉप के चांसेस बहुत मिनिमम हो चुके हैं।
इसके अलावा बहुत सारे सेल्स टावर्स यूज़ करने पर कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। हालांकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ सब कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ रिसर्च कहते हैं कि सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम से इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है, रेडिएशन का लॉस हो से प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ साइंटिस्ट या कुछ रिसर्च प्रूव करती है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली समझा कि सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। आज की क्लास के बेसिस पर आपको कुछ असाइनमेंट तैयार करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको अपने खुद की हैंडराइटिंग से आंसर्स तैयार करना है और उन आंसर्स को आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। आज ही ये आपको काम करना है। आपके असाइनमेंट के बेसिस पे आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। आपका आंसर बिल्कुल ब्रीफ और एक ही पेज में होना है। तो क्वेश्चंस नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ GSM एंड CDMA। राइट फुल फॉर्म ऑफ GSM एंड CDMA। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई सेल शेप इज हेक्सागोनल। व्हाई सेल शेप इज हेक्सागोनल। क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री, विच पार्ट ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम मैनेज हैंड ऑफ। विच पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम मैनेज हैंड ऑफ। तो वीडियो देखने के बाद इन तीन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज आप इनके आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देने। ओके, थैंक यू।